सैर सपाटा ते सभ्याचारक मामलों बारे मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि तकनीकी संस्थावां विच UGC दीआं गाइडलाइन मुताबिक प्रीख्यावां लईआं जाणगीआं जदकि प्रैक्टिकल ऑनलाइन लए जाणगे। विद्यक संस्थावां विच SC स्कॉलरशिप दे पैसे ना आउण संबंधी मंत्री ने कहा कि इस नूं केंद्र सरकार वल्लों बंद किया गया है ते जल्द ही पंजाब सरकार नवीं स्कीम लिया के इस नूं दुबारा शुरू करेगी। वह अज फतेहगढ़ साहब के सुंदरीकरण लई टूरिज्म डिपार्टमेंट वल्लों लगभग 18 करोड़ रुपए के प्रोजैक्ट का नींह पत्थर रखने लई इत्थे पहुंचे हुए सन। इस मौके प्रोजैक्ट की शुरुआत उन्होंने टक्क लगा के की। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिआं उन्होंने कहा कि श्रोमणी अकाली दल के दो धड़े बनने नाल कांग्रेस नूं कोई नुकसान नहीं होगा। अकाली दल विच आपसी खिचोतान नूं चंगी ना करार दिंदिआं उन्होंने कहा कि हुण नरोल अकाली दल निकल के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बादल सरकार समय बरगाड़ी ते बहवल कलाकांड वापरे हैं जिसलिए बादलों नूं कोई भी माफ नहीं करेगा। फतेहगढ़ साहब दे विच इत्थों दी सुंदरता करन वास्ते सारे एरिए नूं सुंदर बनाउण वास्ते 14 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजैक्ट शुरू किया जिहड़ा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट वालों होना है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी वालों ये पास किया गया सी। वो चाहते सी कि चमकौर साहब तो फतेहगढ़ साहब की सुंदरता होवे उहदे वास्ते 14 करोड़ रुपया चमकौर साहब तो 14 करोड़ रुपया फतेहगढ़ साहब के लगा के असी सुंदर बना रहे। इस तो अलावा 10 करोड़ रुपया वक्रे तौर पर इतने के आम खास बाग की सुंदरता वास्ते असी लगा रहे हैं जिदा कि काम पहले ही चल रहा है। तो 5 करोड़ रुपया असी संघोल दे विच लगा के उत्थे सुंदरता का काम करना है। इस तरह पूरा इतने 30 करोड़ रुपए का जिहड़ा काम है वह असी कर रहे हैं इस एरिए टूरिज्म तौर पर डिवेलप करने वास्ते। तो शहीद सिंह का जो स्थान है उसनों सुंदर बनाने वास्ते 30 करोड़ रुपया लग रहे। साडा जिहड़ा UGC दीआं गाइडलाइनज आईआं असी उस दे अनुसार बच्चों के पेपर लै रहे हैं तो जिहड़े प्रैक्टिकल है असी ऑनलाइन लैने हैं। सारी जिहड़ी स्कीम है असी 1-2 दिन के अनाउंस कर देंगे उस दे मुताबिक काम चलेगा। नहीं कांग्रेस का कोई रोल नहीं है या अकाली दल टुट के 2 फाड़ या 3 फाड़ हो रहा है। बादलों ने जो हेरा फेरी करके तकड़ी निशान लिया सी क्योंकि यह अकाली दल बादल है ये एक परिवार की पार्टी है बादल परिवार की पार्टी है यह श्रोमणी अकाली दल नहीं है। हुण जे श्रोमणी अकाली दल के लोग कट्ठे होकर श्रोमणी अकाली दल नूं उजागर कर रहे हैं ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਰੋਲ ਚੰਗਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਗ੍ਰਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਬਲ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ SC ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਪਿੰਡ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਵੈਬ TV ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ हर आमो खास ते हकूमत नु भी करांगे सवाल जवाब आप नहीं तब पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहों तो बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वेब TV दे नाल।